गर्भावस्था में तनाव से माँ और बच्चे दोनों पर गहरा असर पड़ता है। डॉक्टर साधना विश्नोई हमें बताएंगी कि तनाव से क्या खतरे होते हैं और इससे कैसे बचा जाए। तनाव, प्रेग्नेंट पेशेंट को तनाव रहित होना चाहिए। ये अगर प्रेग्नेंट पेशेंट हमारी नॉन वर्किंग है, घर में रहती है, तो सब घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेग्नेंट पेशेंट को टेंडर लविंग केयर चाहिए होती है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण इमोशनल चेंज भी आते हैं, इमोशनल लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, पेशेंट इमोशनल लेबाइल हो जाती है, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो सब घर वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम पेशेंट को कोई ऐसी बात ना बोले या उस चीज़ का ध्यान रखें कि पेशेंट उस चीज़ का स्ट्रेस ना ले। अगर वर्किंग हैं आप, तो वर्किंग में तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ऑफिस में भी आप जाते हैं, वहाँ पर भी आपको ऑफिस के काम की वजह से तनाव हो सकता है, पर आप कोशिश करें तनाव कम से कम लें, क्योंकि तनाव आपको और बच्चे को दोनों को अफेक्ट करता है। आपको, आप में ब्लड प्रेशर आ सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो सकती है अगर आप तनाव ज़्यादा लेंगे, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ये सब अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो तनाव जितना कम से कम लेंगे, आप में ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जब ये आप में ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ है, तो ये दोनों चीज़ें बेबी की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो जितना आप तनाव से मुक्त रहेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करा करें, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें, प्रेगनेंसी में आधा घंटे के लिए हम वॉक भी अलाउ करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वॉक भी आप जाते हैं, फ्रेश एयर में अगर आप वॉक करने जाते हैं, इट गिव यू द रिलैक्सेशन फीलिंग एंड फिटनेस की फीलिंग भी रहती है। तो आप ये सब भी करें, वॉक पे भी जाएं, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, थोड़ी देर मेडिटेशन करें। तनाव कम से कम होना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, हर चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी, आप और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। गर्भावस्था के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।